जियो फाइनेंशियल अभी पूरी तरह से बाजार में आई भी नहीं है और एक बड़ा निवेशक कंपनी का साथ देने के लिए आ गया है। साल 2018 में भारत से बाहर निकलने के बाद अमेरिका की दिग्गज असेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक फिर से भारत में एंट्री करने जा रही है और इस बार उसका सहारा बनने जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हाँ, दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अमेरिका की एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के बीच एक करार हुआ है। दोनों ने एक जॉइंट वेंचर करने के लिए समझौता किया है। ये जॉइंट वेंचर 50-50% की पार्टनरशिप के तहत होगा। जियो और ब्लैक रॉक शुरुआती स्तर पे $150 मिलियन इस जॉइंट वेंचर में निवेश करने वाले हैं। आपको बता दें, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी सब्सिडरी रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल कर दिया था। कंपनी ने अपने इस कारोबार को अपने मेन और कोर बिजनेस से अलग कर दिया। यहाँ ये भी बता दें कि जियो फाइनेंशियल मुकेश अंबानी के फ्लैगशिप की फिनटेक फर्म है। हाल ही में इसको डीमर्ज कर रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग किया गया था। वहीं बात अगर ब्लैक रॉक की करें तो साल 2018 में इस कंपनी ने भारत से एग्जिट कर लिया था, लेकिन अब कंपनी 5 साल बाद दोबारा से भारत में वापसी करने जा रही है। जानकारी के अनुसार ब्लैक रॉक कंपनी $11 ट्रिलियन की संपत्ति संभालती है, यानी पूरी दुनिया के लगभग सभी वित्तीय संपत्तियों का 7% ब्लैक रॉक मैनेज करती है। अब मुद्दे की बात, दोनों बड़ी कंपनियां एक साथ मिलकर काम करने जा रही हैं तो प्लान भी बहुत बड़ा होगा। आसान शब्दों में कहें तो इस साझेदारी का मकसद है भारत में निवेशकों के लिए डिजिटल फर्स्ट ऑफरिंग के जरिए एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को आसान बनाना। फिलहाल रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स मिलने के बाद इस जॉइंट वेंचर का काम शुरू कर दिया जाएगा। अब थोड़ी सी जानकारी डीमर्जर पर भी दे देते हैं। रिलायंस के शेयरधारकों के पास एक एक के अनुपात में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर होंगे और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर मूल्य ₹261 के करीब तय किया गया है। माना जा रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग बहुत जल्द बाजार में हो सकती है।